हेलो फ्रेंड्स, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो अगर हो जाए तो इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। इसका इलाज करवाने के बाद भी कई बार इंसान अपने आप को बचा नहीं पाता है, और अगर बचा भी ले तो बहुत सी परेशानियां होती हैं जो उसे इलाज के बाद भी घेरे रखती हैं। इसीलिए सलाह दी जाती है कि कैंसर से बचने के लिए हमें अपने शरीर को पहले से ही प्रिपेयर करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पौष्टिक खाना खाना चाहिए, पानी पीना चाहिए और अपने आप को व्यायाम की आदत भी डालनी चाहिए। तो आइए, मैं आपकी दोस्त आज आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसी जड़ी बूटियां जिनका सेवन करने से भी आप अपने शरीर को कैंसर जैसी बीमारी से बचा सकते हैं। टिप नंबर 1 है एलोवेरा। कहा जाता है कि एलोवेरा के अंदर पाए जाने वाला पाइथ्रो न्यूट्रिएंट्स कंटेंट हमारे शरीर के अंदर एक एंटीऑक्सीडेंट तत्व की तरह काम करता है, जो कि हमारे शरीर के अंदर कैंसर के खतरे को कम कर देता है। टिप नंबर 2 है लहसुन। लहसुन का सेवन करने से हमें काफ़ी लाभ मिलता है। जोड़ों और घुटनों के दर्द को ठीक करने के अलावा भी आप लहसुन का सेवन अपने आप को कैंसर जैसी बीमारी से बचाने के लिए कर सकते हैं। टिप नंबर 3 है हल्दी। हल्दी एक एंटी कैंसर रोधक की तरह काम करती है। ये हमारे शरीर के अंदर कैंसर को बढ़ावा देने वाली कोशिकाओं को रोकती है, साथ ही साथ हमारे शरीर को स्वस्थ भी रखती है। नंबर 4 है वीट ग्रास। ये एक ब्लड प्योरीफायर और किडनी को साफ करने के लिए बहुत ही मददगार साबित होता है। इसीलिए आपको रोजाना वीट ग्रास जरूर पीना चाहिए। इसका सेवन करने से आप कैंसर के खतरे से अपने आप को बचा सकते हैं। नंबर 5 है मिर्च। मिर्च के अंदर पीपराइन नामक एक तत्व पाया जाता है जो हमारे शरीर के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करता है। अगर हम मिर्च का सेवन नियमित रूप से करें तो हमारे शरीर के अंदर कैंसर को बढ़ावा देने वाले कीटाणु शांत हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ ऐसी घरेलू चीज़ें और जड़ी बूटियाँ जिनका इस्तेमाल करके भी आप अपनी बॉडी को कैंसर जैसी बीमारी से बचा सकते हैं। इनका सेवन करिए और अपने आप को स्वस्थ बनाइए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।